नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है भरतपुर के अलवर हाईवे पर कंजौली लाइन के पास स्थित पुल पर खराब असंतुलन के कारण बड़ी घटना हुई है, जिसमें आमने सामने से बोलेरो और मारुति स्विफ्ट कार आपस में भिड़ गईं। सबसे बड़ी बात तो ये सामने आई है कि अचानक हुए हादसे में गाड़ी में बैठे 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय भरतपुर में भर्ती करवाया गया है। साथ ही साथ हादसा पुल पर होने के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया था। क्रेन के द्वारा क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटवाकर अवरुद्ध रास्ते को चालू करवाया गया। संवाद सूत्र के अनुसार मिली जानकारी में एक अहम बात सामने आई है कि आए दिन इस पुल पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसमें लोगों को आवागमन में परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। कितना टाइम हो गया एक्सीडेंट हुए? भाई साहब, इसको एक्सीडेंट तो हुए 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट। उस जेसीबी वाले ने मेरी गाड़ी को, और जेसीबी वाला भाग गया, वो भाग गया है। भाई साहब, मैं दिखाता हूँ सर, ये जेसीबी वाला है, भाग गया। उसने मेरी गाड़ी को ठोका है, उसके बाद मेरी गाड़ी घूमी है, देन उसके बाद उसको घूमने के बाद इस गाड़ी में मेरी गाड़ी लगी है। आपने प्रशासन को कॉल किया है जी? प्रशासन को कॉल किया? मैंने 100 पे कॉल किया है जी, पर मेरा ना कोई कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका कोई कॉल रिसीव नहीं हो रहा है? रिसीव नहीं हुआ है सर। मेरे साथ आर्मी के गेस्ट हैं जी, जिनको मैं बरेली छोड़ने जा रहा था जी,